प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में खुद को यूपी का गोद लिया बेटा बताया। पीएम के मुताबिक भगवान कृष्ण यूपी की धरती पर पैदा हुए और गुजरात को उन्होंने कर्मभूमि बनाया, और मैं गुजरात में पैदा हुआ यूपी में काम करूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं ऐसा बेटा नहीं जो अपने माँ बाप को यूं ही छोड़ दूं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने इशारों में अपने चाचा शिवपाल यादव पर जमकर निशाना साधा। इटावा की चुनावी रैली में अखिलेश ने कहा कि जिन पर हमने भरोसा किया उन्होंने ही मुझे और नेताजी को लड़ा दिया। जो साइकिल छीनने वाले थे कम से कम उनकी साइकिल छिन गई। अखिलेश ने इटावा के लोगों से उन लोगों को सबक सिखाने की अपील की जिन्होंने मुलायम और उनके बीच खाई पैदा की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बावजूद वाराणसी की कैंट विधानसभा सीट पर पेच फंस गया है। रिबू श्रीवास्तव ने साइकिल के सिंबल से इस सीट से नामांकन किया है। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट अनिल श्रीवास्तव इसी सीट के लिए नामांकन कर चुके हैं। ऐसे में अब इस सीट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। रिबू ने कहा है कि सीएम अखिलेश ने उन पर भरोसा करके उन्हें पार्टी का टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री आजम खान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस मंत्री ने मुजफ्फरनगर और बरेली में दंगे कराए हैं उनको सबक सिखाने के लिए बीजेपी की सरकार लाइए, उन लोगों से निपटने के लिए तैयारी कर लीजिए। आदित्यनाथ ने धमकी दी कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो आजम खान बचकर नहीं निकल पाएंगे। कन्नौज में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने विवादित बयान दिया। आजम ने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, जब मुसलमानों के पास काम नहीं है तो क्या करेंगे, बच्चे ही पैदा करेंगे, अगर नौकरी दोगे तो बच्चे भी कम पैदा करेंगे। यूपी के कुशीनगर के तमकुहीराज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जगदीश मिश्र और पूर्व विधायक नंदकिशोर मिश्र के समर्थक आपस में भिड़ गए। चुनाव प्रचार के दौरान हुई मारपीट में जगदीश मिश्र की बेटी संध्या मिश्र को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। फैजाबाद में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने समाजवादी पार्टी सरकार से खर्चे का हिसाब मांगा। उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। सतीश चंद्र ने कहा कि जो हाईवे लखनऊ से आगरा तक बना है वो अधूरा है। उन्होंने कहा कि हाईवे बनाने में जबरदस्त लूट हुई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को दो ठगों का गठबंधन बताया है। फरुखाबाद में उन्होंने कहा कि चुनाव के बहाने दो ठग इकट्ठे हुए हैं। तोमर ने दावा किया कि यूपी में दो चरणों में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें से 50% सीट बीजेपी को ही मिलेगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कानपुर में एक सभा के दौरान कहा कि हम किसी को छोड़ते नहीं, कोई हमें छेड़े तो छोड़ते नहीं। उन्होंने कहा कि हमने सेना को आदेश दिया है कि बॉर्डर पर पहले कभी गोली नहीं चलानी है, लेकिन अगर उधर से गोली चली तो जवाब में हम गिनकर गोलियां नहीं चलाएंगे। राजनाथ ने कहा कि हमने केंद्र से जो धन भेजा था वो यूपी में आकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, अब यूपी में बीजेपी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अमृतसर में एक पुलिस वाले को पब्लिक से मालिश कराना महंगा पड़ गया। दरअसल जो व्यक्ति पुलिस वाले की मसाज करता दिख रहा है वो अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा था, लेकिन शिकायत पर गौर फरमाने के बजाय पुलिस वाले ने उसे मालिश के काम में लगा दिया। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया।